हाँ सही है वैसे। ओके, तो हमारा फोर्थ श्लोक है। ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है जो कि हम हमेशा जब भी भागवतम शुरू होती है तभी हम कहते हैं, ये याद रखिए और आप इसको मेंशन कर लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। आप भेज दीजिएगा ग्रुप में इसका ना स्क्रीनशॉट। पहला स्कंद, ठीक है, पहला स्कंद फोर्थ, दूसरा चैप्टर फोर्थ श्लोक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चेद नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरयात्। हरे कृष्णा, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वे श्रीमद् भागवत नारायण को, नरोत्तम नारायण कृष्ण को, विद्या की देवी सरस्वती, माता सरस्वती तथा ग्रंथ का शील व्यास देव को नमस्कार करें। सबको नमस्कार बताया है इसमें। सबसे पहले जब भी हम ये भागवतम शुरू कर रहे हैं तो जैसे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि जब मैं बोल रही हूँ तो आप ये मत सोचिए कि बस मेरे लिए है, ये आप सबके लिए भी है कि आप भी मन में और मेरे साथ में दोहरा सकते हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम भगवान से, नारायण भगवान से, व्यास देव जी से, सरस्वती माता से, जो कि विद्या की देवी हैं, वो हमें बुद्धि ऐसे दें कि हम जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें बुद्धि में मतलब वो गढ़ जाए, वो समाहित हो जाए। ये अर्थ है कि हम उनसे उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग, तो हम यही याचना करते, यही प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सुनने वाले को, सुनाने वाले को ये जरूर करना चाहिए, ध्यान करना है। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भावों को विजय प्राप्त करने के लिए हैं। जो हम अंधकार में हैं, ये संस्कार, जो संसार है ये अंधकार में है, और जो भागवतम है वो एक प्रकाश है। भागवतम भगवान के द्वारा एक जो व्यासदेव हैं वो भगवान के को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यासदेव जी भगवान ही है एक तरीके से, उन्होंने लिखा है भगवान के बारे में, तो हम उनसे जो उनके द्वारा लिखा गया ये जो ग्रंथ है उस वो जो प्रकाश है, वो जो प्रकाश है वो खत्म कर सकता है इस अंधकार को, जो संस्कार का जो अंधकार है वो खत्म कर सकता है ये भागवतम। तो इसके जो हर एक शब्द हैं, इसके हर एक श्लोक जो हैं, और जो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में उतारे और यही अंधकार खत्म कर सकता है। देखिए हर एक जो श्लोक है ना वो कुछ कहता है, वो एक ही बात कहता है, वो रिपीट करता है, आप उस बात को समझो। भगवान भगवद गीता में या भागवतम में जब भी कोई श्लोक आता है उसके तीन चार श्लोक वो ही एक बात कहते हैं, रिपीट करते हैं। आप समझते हो ना कि जब भी हम कुछ कहते हैं तो वो रिपीटेशन होती है, तो भगवान भी रिपीट कर रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार बार हर एक श्लोक में, उसके बाद में दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, तीन चार श्लोक में एक ही बात कहते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि हम बद्ध जीव है, कम से कम तीन चार बार जब तक हम समझेंगे नहीं एक ही बात को तब तो हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि हम उसको समझ लें कि क्या कह रहे जा रहे हैं, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान। और हमने कथा प्रारंभ हो चुकी है क्या, हमने शुरू से ही इसमें कथा का हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा करी, सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, फिर व्यास देव जी के बारे में भी हमें समझ में आ रहा है, फिर ब्रह्मा जी के बारे में समझ में आ रहा है। हम जब भी हम भागवतम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई जो भी कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम डिटेलिंग में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कथा ही है क्योंकि एक एक शब्द जो है वो एक कथा कह रहा है, ठीक है। इस भौतिक जगत में उनका जीवन संघर्ष अवतरित चलने वाला है क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति के कारण अपने जो कार्य है उसको भूल चुके, जो हमारे नित्य कार्य है उसको भूल चुके, हम दूसरा कार्य कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने जो हमारे और भौतिक कार्य है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक काम है, जो हमारा जिस काम के लिए हम भेजे गए हैं भगवान ने, जो हमें भेजा है वो भूल गए, वो स्मरण कराने के लिए भागवतम है हमारे पास। भगवान नहीं है, जैसे आज महाराज जी भी कह रहे थे भगवान नहीं है साथ में, वो चले गए 125 साल यहाँ रह के, कृष्ण भगवान यहाँ से प्रस्थान कर गए, लेकिन भागवतम हमारे साथ में है, वो स्वयं भगवान है।
तो उनके निर्देशों का हम पालन करें और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। अगर हम सोचें कि हम ये पढ़े बगैर भगवत सागर से निकल सकते हैं, भगवान की वाणी को सुने बगैर, भगवान को याद करे बगैर, भगवान को का साक्षात्कार करे बगैर, अगर हम सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे तो ये हमारी मूर्खता है। तो बड़े बड़े जो ऋषि हैं वो नहीं निकल पाए, तो हम साधारण जीव हैं। यदि वो उससे अपने जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहते हैं तो उसके जीवन ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। हमें हमें अपने संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। पहले हम अपना संबंध स्थापित करें भगवान के साथ में, फिर दूसरों का भी करवाएं, ये हमारा कर्तव्य है। क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ? भक्ति का, कोई सखा रूप में, कोई मित्र, कोई भाई रूप में, किसी भी रूप में बस संबंध है। हमारा संबंध है भगवान के साथ में, कोई ना कोई संबंध है, वो संबंध भूल गए और हम नित्य दास है भगवान के। हम नित्य दास है, हम भूल गए कि हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भूल गए और हम अपनी सेवा कर रहे हैं या अपने किसकी सेवा कर रहे हैं? परिवार की। किसकी सेवा करनी है? अपनी तो भगवान की, लेकिन हम अपने परिवार में लगे रहते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो संबंध भूल गए, आप देखिए हमको यहाँ पे संबंध भूल जाते हैं तो कैसा कष्ट होता है, होता है कि नहीं? अगर हम कोई कष्ट यहाँ पर हम अपना संबंध हमारा कोई खराब होता है तो कितना दुख होता है, भगवान को कितना दुख हो रहा होगा हमसे बिछुड़ के, क्योंकि हमारा उनके साथ शाश्वत संबंध है। ये संबंध हमारा जो भौतिक संसार में है वो क्षणिक मात्र है, मतलब एक जन्म के लिए है हमारा संबंध। भगवान से हमारा संबंध शाश्वत है, हमेशा के लिए। वो भूल गए हम तो भगवान हमसे नहीं होंगे, वो हमारे माता पिता वो हमसे परेशान नहीं हो रहे होंगे। हमारे बच्चे हमसे हमें छोड़ के चले जाएं, हमारे बच्चे हमसे बात ना करें, हमारे बच्चे हमारे हमारा कहना ना माने, बच्चे छोटे होते हैं तो भी, तो हमें बड़ा परेशानी होती है। भगवान से हम विमुख हो जाते हैं, भगवान परेशान नहीं होंगे क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं। तो हमें स्थापित करना, अपना दोबारा से संबंध याद करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मूर्ख लोग कहते हैं कोई संबंध नहीं है हमारा वेदों से, भगवान से। तो क्या समझे, मूर्खों की बात सुने, क्या करें? सही और गलत रास्ते का, जैसे हम कल कह रहे थे, बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्या करें हम? कोई कहता है कि कुएं में गिरो, तो गिर जाए उनके कहने से, हमें लगता है कि नहीं वो तो हमारा पड़ोसी है, वो तो हमारा रिश्तेदार है, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्या सही है क्या गलत है वो है। अर्चना माता जी समझ में आ रहा है? हाँ जी माता जी। किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के वेदों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ लोग देखिए सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, तीन गुणों में विभाजित है। चार लाख 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य है और फिर भी एक बराबर नहीं है। कोई सत्वगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। ये कल हमने डिस्कस किया, ठीक है? तो पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि पुराण जो है, हमारे जो पुराण है वो भी तीन भागों में विभक्त है। वो भी सत्वगुण तमोगुण रजोगुण में है। जैसे जो सत्वगुणी है वो भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हीं के पुराण पढ़ेंगे, ठीक है, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, आप समझ रहे हो। और जो तमोगुणी है वो भूत प्रेतों की जो कथाएं हैं या फिर जो उनके ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, कैसे तंत्र मंत्र करें, कैसे दूसरों को परेशान करें, कैसे मैं सिद्धियां प्राप्त करूं, ये सब करते हैं तमोगुणी। जो रजोगुणी है देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, देवताओं की मतलब शिव पुराण पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, ये देवता है ना, हम मानते हो कि नहीं मानते हो? हनुमान जी को भगवान मानते हो कि देवता मानते हो? माता जो है वो देवी है या भगवान है, क्या कहते हैं? देवी कहते हैं ना, देवी। हाँ, क्या कहते हैं, भगवान नहीं है ना। तो यही है कि जो रजोगुनी है वो देवी देवता को मानेंगे, तमोगुनी भूत प्रेतों को मानेंगे, सत्वगुनी विष्णु तत्व को मानेंगे। कौन से गुण में आना चाहते हैं हम? सत्वगुण। या किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं, किसी भी श्रेणी के लोग जो हैं लाभ उठा सकते हैं इसमें, भगवान को कह रहे हैं, और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई देवता को ही मानता है तो देवता को भी अगर हम सच्चे मन से मानते हैं तो वो भी धीरे धीरे हमें कन्वर्ट करते हैं कि ये बहुत शुद्ध होते जा रहे हैं, इनको हम भगवान की, भगवान विष्णु की आराधना में लगाएं। देवता भी हमें आशीर्वाद देते हैं,
जैसे मैं अपना बताऊं, मैं पहले शिव भक्त थी, बहुत शिव जी की मैं पूजा पाठ करती थी, बहुत ज्यादा देवी माता को मैं बहुत मानती थी, हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, मानती थी मतलब मानती हूँ उस समय बहुत ज्यादा। लेकिन क्या है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ कन्वर्ट हो, आप विष्णु जी की आराधना करो। ये नहीं कि मैं उनको भूल गई हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है, वो मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, राइट। हनुमान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन सबको मानती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सही रास्ता बताया कि आप विष्णु जी की आराधना करो, क्योंकि उससे मैं सतोगुणी हो गई हूँ। कैसे कि उसके गुरु को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, खाने पीने में, पूजा पाठ करने के लिए, रहने में भी, हर एक चीज में क्या होती है, शुद्धता आती है। जब हम सतोगुण में जाते हैं तो क्या होती है, शुद्धता आती है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, खाने पीने में लहसुन प्याज नहीं यूज कर रहे हैं हम, राइट। नहाना, स्वच्छता, पवित्रता, वो हम ध्यान रख रहे हैं। कैसे होता है वो, विष्णु आराधना करने से, समझ गए। शील सुध गोस्वामी के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भवबंधन छूटने का इच्छुक है। जो इच्छुक है, जो भवबंधन से छूटने के इच्छुक है, वो ही ग्रंथ पढ़ेंगे, ये अन्य लोग नहीं पढ़ेंगे, अन्य लोग कुछ और पढ़ेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया, तो हमें छूटना है भवबंधन से, कौन छूटना चाहता है भवबंधन से, किसको छूटना है, मैं। तो कहा भी गया कि जो छूटना चाहता है वो इसको पढ़ेगा, अन्य लोग नहीं, तो सबको छूटना है हमें। तो पांचवा श्लोक करते हैं। मुन्ने साधु पुष्ट अहम भवदी लोक मंगलम यता कृत कृष्ण संप्रश्न येन आत्मा सुप्रसिद्धि। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है, आपने प्रश्न शलाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्न से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। सुध गोस्वामी कह रहे हैं मुनियों से कि आपने जो प्रश्न पूछा कि हमारे उद्धार के लिए बताइए हमें कौन सा कार्य करना है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न आपके लिए भी है और उन जीवों के लिए भी है जो कि भवसागर में फंसे हुए हैं। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जब हम कोई प्रश्न करते हैं ऐसा जो कि हमारे जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा होता है, तो ये अच्छा है। हमें प्रश्न पूछने चाहिए जब हम भक्ति में आते हैं और हमारे कोई प्रश्न होते हैं भक्ति में जो बाधक हो रहे हैं, तो वो हमें पूछने चाहिए। इसका मतलब कि हम उसको, जो पत्थर हैं, जो रोड़े हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर हमने सॉल्यूशन कर लिया तो क्या होगा, हम आसानी से भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं। तो जो हमारे प्रश्न है उसको हमें पूछना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो उन्होंने जो पूछा तो वो बड़े प्रसन्न है, क्योंकि पहले कहा जा चुका है भागवतम के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। परम सत्य को जाना सकता है मतलब भगवान को जाना जा सकता है भागवतम के द्वारा। अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवान के बारे में जाने की इच्छा बस। कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे हम जाने, सारे शास्त्र ये कहते हैं। और जब कुंठा जब रह जाती है, जब हम कुछ और शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब हम तमोगुणी रजोगुणी पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आएगा कि भगवान क्या चाहते हैं, तो हम भटकते रहेंगे। लेकिन हम सही शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, समझ में आएगा हमें। सारा संसार प्रश्नों और उत्तरों से परिपूर्ण है, सारे पशु पक्षी मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तर में लगे हुए हैं। हम क्या चीज में लगे हुए हैं, प्रश्न उत्तर में, पूरा जीवन प्रश्न उत्तर में। हमारा ये प्रश्न है, ये उत्तर है, ये प्रश्न है। सही प्रश्न नहीं पूछेंगे, उत्तर प्रश्न हमारे उल्टे सीधे होंगे कि जैसे हमारा, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे होगी, अब वो सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रश्न उत्तर में लग जाता है, फिर एक ग्रस्त अपने किसी और अपनी ग्रस्ती में है, जो जॉब कर रहा है वो अपनी किसी और प्रॉब्लम में है, जो बच्चा विद्यार्थी है वो किसी और प्रॉब्लम में, वो भी प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन उनके अलग प्रश्न है। एक्चुअल प्रश्न नहीं जानते कि प्रश्न हमें क्या पूछने चाहिए, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम हमारी जो अभी जो बेसिक प्रॉब्लम है
जो हमारी चल रही है अभी करंट वो है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये भूल गए हम कि हमारे हम जो करंट प्रॉब्लम है ना यार, पानी नहीं आ रहा घर में, पानी नहीं आ रहा, सिलेंडर खत्म हो गया, अब 2 दिन अगर नहीं आएगा उसी में परेशान है हम, वो ही प्रश्न है हमारा कब आएगा, ये प्रॉब्लम है हमारी, ये प्रॉब्लम हमारे को इतनी बड़ी लगती है, ये बहुत बड़ी है। अच्छा, बेसिक जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है कि हमारी जन्म हुआ है, ये मृत्यु होगी, या फिर हमें ये कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होगी तो खत्म हो जाएगी, ये कोई साधारण प्रॉब्लम है, उसी में ही हम अटके रहते हैं, छोटी फिर ये खत्म हो गई, फिर अब ये हो गया, अब बच्चे ने ये कर दिया, अब हस्बैंड ने ये कह दिया, अब ये हो गया, अब उसने मुझे ये बोला, ये प्रश्न है हमारे, ये हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम अलग अलग प्रश्नों में है लेकिन सही प्रश्न नहीं पूछते, ना ही हमारे पास फिर उत्तर, उसका उत्तर क्या होगा। तो ये है कि सब ढूंढ रहे हैं, ये भी आगे हम जो पढ़ेंगे, देखिए सुबह होते ही क्या होता है, सुबह होते ही भोर होते ही पशु जो पक्षी हैं अपने अपने नीड़ों अपने घोंसलों में से निकल के प्रश्न उत्तर में लग जाते हैं, प्रश्न उत्तर मतलब खाना ढूंढने लगते हैं, और फिर उनका जब खाना मिल जाता है पहुंच जाता है तो वो उस प्रश्न का उत्तर हो गया, समझ गए, निकले प्रश्न था कहाँ मिलेगा, मिल गया कुछ खाना, घर पहुंच गए उत्तर मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम भी सुबह निकलते हैं शाम को पहुंचते हैं, तो हमारा प्रश्न उत्तर यही है, और शाम होते होते वो अपने घर पहुंच जाते हैं, प्रश्न उत्तर है ये हमारा, और उसमें व्यस्त होते हैं, क्या है ये हमारी व्यस्तता, ये हम इसमें व्यस्त है। मनुष्य भी जब प्रगाढ़ निद्रा में सो जाता है, जब वो सो जाता है तो वो भूल जाता है प्रश्न उत्तर, लेकिन जैसे उठता है उसको याद आता है प्रश्न उत्तर क्या क्या थे, मेरी तो बड़ी परेशानी थी, राइट। और व्यापारी बाजारों में प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं, जो व्यापार करते हैं वो भी प्रश्न उत्तर में लगे हैं, जो वकील हैं जो एडवोकेट हैं वो भी प्रश्न उत्तर में लगे हैं, वो भी कोई ना कोई अपना मुकदमा लड़ाई करते रहते हैं। विद्यालय में बच्चे अपने प्रश्न उत्तर में लगे हैं, हरी हरी बोल, वही कह रहे हैं अभी, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में भी सांसद के जो है वो भी प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, राजनीति जो है वो भी प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो पार्टी अच्छी नहीं है, ये पार्टी अच्छी है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, कहते कि नहीं कहते, हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, और कहते हैं जीवन भर ऐसे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंग की बात भी तुष्ट नहीं होते, फिर भी हम प्रश्न मतलब संतुष्ट नहीं होते, तुष्ट नहीं होते, सारे पूरा जीवन भर प्रश्न उत्तर में लगे रहते हैं लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे, पूरा जीवन काम कर लिया, पूरा जीवन हमने संतुष्ट कर दिया इंसान को, कर रहे हैं लेकिन परिवार को, फिर भी हम तुष्ट नहीं हो रहे, फिर भी हमारे प्रश्न है। आत्मा को तुष्टि को केवल कृष्ण विष्णु प्रश्न उत्तर ही से ही समझा जा सकता है, आत्मा की संतुष्टि नहीं कर रहे हम, शरीर की संतुष्टि कर रहे हैं, शरीर को क्या चाहिए, क्या चाहिए खाना, शरीर को क्या चाहिए खाना, एकदम हम सही वस्त्र नहा धोकर हम तैयार हैं, ये हमारे शरीर की हो गई खुराक, हो गई खाना खा लिया हमने, ये हो गया प्रश्न उत्तर के लिए, हम काम धंधा करने चले गए दूसरों की उसके लिए। आत्मा जो विशेष है, आपकी आत्मा वो दुखी है, उसके लिए क्या प्रश्न करा, उसका क्या प्रश्न है, भगवान को खोजो, भगवान मिसिंग है जीवन से, तो वो है प्रश्न, वो प्रश्न भूल गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम भगवान कहाँ है, भगवान को भूल गए। अर्चना जी आर यू लिसनिंग, सुन रहे हो जी माता जी? हाँ, वीडियो भी खोल लीजिए, हम देख रहे हैं आपके दर्शन कर लें। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता, पुत्र, माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है, हमारे उनके साथ संबंध है, संबंध देखे हमने कि हमारे संबंध कोई भी हो सकता है भगवान के साथ। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्न उत्तर की अनेक विषय बना लिए हैं, और कृष्ण को भूल गए हम, प्रश्न उत्तर और हमारे अलग अलग हो गए, जो मेन प्रश्न है वो भूल गए और बाकी हमें याद है, किंतु इनमें से किसी किसी से भी हमें पूर्ण पुष्टि नहीं हो सकती, हम चाहे कितने भी प्रश्न उत्तर का हम आंसर ढूंढ ले संसार के, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं होंगे, हमारा जन्म से लेके हम मृत्यु तक भी अगर हम आ जाएंगे, तभी भी जब हम मृत्यु शैया पे होंगे तभी भी हमारा प्रश्न होगा, बच्चों का क्या होगा, उसकी नौकरी नहीं लगी, मोह माया में फंसा रहेगा, फिर ये क्या होगा, हम कुछ भी कुछ सोचेंगे मरणावस्था तक अगर हमारा होगा, वो समय भी प्रश्न होंगे, भगवान थोड़ा समय और दे देते तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर जाता, कुछ समय और देते इतनी जल्दी उठाया, मतलब हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि अभी हमारा बचा है कुछ कार्य बचा हुआ है, लेकिन अगर हमने भगवान को संतुष्ट किया, अगर हम अपने आत्मा को संतुष्ट किया
तो क्या होगा, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे, हमारी फैमिली का ख्याल रखेंगे, बाद में भी ख्याल रखेंगे, आध्यात्मिक लोक में भी ख्याल रखेंगे क्या? तो फिर ये कार्य हमें समझना जरूरी है, आत्मा को संतुष्ट करना। और यदि हम पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषय प्रश्न और उत्तर को ग्रहण करना चाहिए। बिना प्रश्न किए या उत्तर किए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। प्रश्न कैसे करने, कृष्ण विषयक, कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्न और उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। और जो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता है वो क्या कह रहे हैं, प्रश्न हमारे उत्तर, श्रीमद् भागवतम प्रश्न हमारे भगवद गीता में उत्तर कृष्ण भगवान ने दिए हैं, राइट। तो अगर हमारे प्रश्न है तो उत्तर कौन दे रहे हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, राइट। तो अतः हमें इस दिव्य साहित्य की पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भगवत भागवत को समझकर समस्त सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों के संबंध समस्याओं का समाधान खोज निकाले। तो इससे क्या होगा कि अगर से कोई भी पढ़ता है जिनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, सामाजिक हो, या फिर ग्रस्त हो, धार्मिक हो, यहाँ से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकता है। अगर उनको भी चाहिए तो इसी में आंसर है। और श्रीमद् भागवतम कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। और ये जो भागवतम है, हर एक वस्तु का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम कृष्ण है। एक और श्लोक कर ले क्या, कर सकते हैं ना। अरे ये देखो, मैं ये कल तो काफी लोग आ गए थे, 9 लोग आ गए थे, आज सिर्फ 3-4 लोग हैं। मैं ही सोच रही कम से कम हमारे वो जो 120 लोग हैं वो यहाँ पर थोड़े लोग तो आए, 8-10 लोग, उनको भी कुछ समझ सुनने को मिले। आप लोगों को तो काफी कुछ समझ में आता है, आ ही चुका है, राइट। और उनको भी जगाने की बात है, हमें भी है, क्योंकि हमें भी डेली खुराक चाहिए, खाना, जैसे हम खाना खाते हैं हमें भी जरूरत है, उनको तो विशेष तौर पे ज्यादा जरूरत है। तो ये है कि वो लोग भी आए, आप जिनको जानते हो प्लीज माता जी, जैसे माता जी जिनको भी अपने मैसेज भेजते हो, जिनकी माला भी आती है, उनको आप मैसेज करिए कि वो भी ग्रुप में ये एक क्लास जो दोनों में से कोई अटेंड करे। पूनम माता जी, आपने पार्क में कई जनों को नंबर दिया है, कई जनों का नंबर दिया है, मैं आपको सेंड करूंगी, उनको ज्वाइन कर लेना। ठीक है ठीक है। पूनम माता जी, आपने भी जिसको भी है ना आपके जो ऑफिस में है उनको ये लिंक दीजिए, उनको बोले कि वो भी सुने, ठीक है। अब एक माता जी, कल आपको मैं बताऊं, कल शाम को एक माता जी आई थी, वो पहली बार आई थी और वो चली गई, तो कह रही मेरा तो मन नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या हो रहा है, परेशान है, थोड़ा सा सुना, एक ही हमने अभी माला ही करी थी, अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ, चली गई, परेशान है। परेशान है कि उनको एक बेचैनी होती है ना, वो है कि वो कहीं टिक नहीं सकते, स्थिर नहीं है। तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई बातचीत नहीं और वो चली गई। अब मैं पर्सनली उनसे बात करूंगी आज, लेकिन यही है, यही परेशानी, और हमारी मानसिक परेशानी भी यही है, हम घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर एक्चुअल हमारी परेशानी का आंसर यहाँ पर है, वहां तक पहुंचते ही नहीं। ओके, सवे पुसाम परम धर्म यथा भक्ति अधोदशदजे अहेतु की प्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धि। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। हमारा धर्म क्या है, कोई कह हमारा जैन धर्म, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, हम द्विवेदी हैं, माता जी जैन है, माता जी गुप्ता है, हम ये सोचे कि हमारा धर्म ये है और हमारा हम इसे शास्त्र के हैं, तो ये बताइए ये है कि हम इसी को जाने या भगवान को जाने। मेन क्या है, भगवान को जानना। इसको जान के तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसको जान के तो ये एक साधन तो था, साधन है कि हमें वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही कि हमें पता हो कि हम ये इस कास्ट के हैं, तो अगर हम वो कार्य ना कर रहे भगवान तक पहुंचने का, तो फिर क्या है, मतलब क्या है उसका। तो कह रहे हैं कि जिसके द्वारा, वो धर्म है जिसके द्वारा मनुष्य भगवान तक पहुंचे, ऐसी भक्ति अकारण अखंड होनी चाहिए। अकारण होनी चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए भगवान तक पहुंचने का, और अखंड होनी चाहिए, अखंड मतलब हमेशा रहने वाली अखंड, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। हमारी आत्मा भी, वो भी खुराक चाहिए, वो भी बहुत बेचैन है, परेशान है,
समझ नहीं आ रहा से क्या करें, आत्मा को खुराक मिल जाएगी वो बड़ी संतुष्ट हो जाएगी, फिर वो शरीर को भी स्वस्थ रखेगी। जब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है शरीर को भी स्वस्थ रखती है। शील रूप गोस्वामी सॉरी सनातन गोस्वामी जो है वो वृद्धावस्था में जब वो 80 प्लस थे, 80 साल से भी ऊपर थे, तभी भी वो गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे, रहते वृंदावन में थे। वृंदावन अलग है, गोवर्धन परिक्रमा अलग है, आपको पता है ना, डिस्टेंस है वहां पर। तो रहते थे दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में है वो। जाते थे पैदल कहां पर, पहले जाएंगे गोवर्धन और फिर परिक्रमा करेंगे। तो कितना लंबा हो गया रास्ता, पहले वहां तक जाना और फिर परिक्रमा करना 21 किलोमीटर। तो वो उनका नित्य कर्म था कि वो डेली करेंगे ही वो। अब 80 साल की उम्र हो गई तो भी छोड़ नहीं रहे थे। अब हालत है कि बहुत ही बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है, चला नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर कर रहे हैं, लेकिन उनका निश्चय देखे, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, कर रहे हैं। 80 साल 85 साल के जो है बुजुर्ग कोई कर सकता है, लेकिन उनमें क्या थी, अपनी आत्मा, उनकी आत्मा जवान थी, यंग थी। उनकी आत्मा कैसे थी, कह रहे मेरी आत्मा तो बिल्कुल ठीक है, शरीर को शरीर ही ऐसा है, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा क्या कह रही, चलो परिक्रमा करनी है। फिर भगवान स्वयं प्रकट हुए वहां पर और भगवान ने कहा कि आपको परिक्रमा नहीं करिए, आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप सिर्फ ये एक शिला दी उनको, गोवर्धन शिला दी और कहा इसी की परिक्रमा किया करो, इसी से पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। फिर भी मान नहीं रहे थे, बड़ी उनको समझाया गया, बताया गया कि आप इसमें मेरे चिन्ह चिन्ह के निशान है, पैरों के गाय के भी चिन्ह के निशान है, उनकी जो लाठी है कृष्ण भगवान की जो वो लेके जाते थे गौ चराने, उसका भी है। अगर आप देखोगे राधा दामोदर मंदिर में तो एक शिला है, वहां पर वो चिन्ह के निशान है, गाय के भी, भगवान के चरण के भी। तो वो दिया और उनकी परिक्रमा क्रम करते हैं चार, कहा जाता है उनको, कहा कि अगर चार परिक्रमा कर लोगे तो आप गोवर्धन की परिक्रमा कर लोगे। तो ये है आत्मा की तुष्टि, आत्मा को संतुष्ट करना। क्या नेम था उनका, राधा रूप, उनका सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और राधा दामोदर मंदिर में वो शिला है, वो जो शिला भगवान ने दी है उनको समय में 500 साल पहले। अभी एक बार क्लास में भी दिखाया था महाराज जी ने, हाँ याद है ना, हाँ तो वो चीज है, वो अभी भी है। तो ये है कि हमें किससे समझना है, या तो किसी मूर्ख से समझे कि वो कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है, और अंधे से हम पूछ रहे हैं कि हमें बता दो रास्ता, या फिर हम ऐसे गुरु परंपरा से जुड़े जो कि हमें सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान दे रहे हैं। तो इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैरमी शरण के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, सार बता दीजिए। उन्होंने प्रश्न किया था, हमें सार बता दीजिए, हमें इतना सारा हम नहीं समझ सकते, हमें सार बता दीजिए। सार बता रहे हैं, यही सार है, ये क्या बताया उन्होंने, ये जो उत्तर दिया है, छठा जो श्लोक है ये उत्तर है उनके प्रश्न का। समझ गए क्या था, मैं समझा पा रही हूँ आपको? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। इसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके, ऐसे भक्त जो हमेशा ही अखंड भगवान की भक्ति करें वो ही आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, ये उनका उत्तर है। वो कहा कि जिसे पतित आत्मा है जनसाधारण उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक प्रवृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग, एक इंद्रिय भोग में का मार्ग होता है, और निवृत्ति मार्ग त्याग का मार्ग, इंद्रिय भोग में लगकर या फिर त्याग का मार्ग। जब हम भक्ति करते हैं, जब तुलसी महाराज मुनि की भक्ति करते हैं तो उनके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हमें ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही आने लगता है, थोड़ा थोड़ा, है ना। वैराग्य भी होने लगता है कि नहीं हमें भगवान का ये करना है, नहीं हमें छोड़ दूंगी मैं एकादशी फास्ट रखूंगी, ये क्या है, त्याग है, अन्न त्याग कर रहे हैं हम, है ना, एकादशी के लिए, और किसके लिए, भगवान के लिए। और हम दूसरा मार्ग है इंद्रिय मार्ग की अपनी इच्छाओं की पूर्ति। दो मार्ग बताए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है, भोग का मार्ग कैसा है, अपने लिए। भोग का मार्ग कैसा है, अपने लिए सिर्फ। त्याग का मार्ग कैसा है, दूसरों के लिए, दूसरों का भी भला होता है। ये का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो भ्रमभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है,
कह रहे हैं जो हमारी भौतिक अवस्था है वो तो रुग्ण अवस्था है, बीमारी है हमारी। भौतिक अवस्था कैसी है? बीमारी है। और आध्यात्मिक अवस्था हमारी कैसी है? वो ही वास्तविकता है जहाँ जीवन सनातन आनंद में और ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्ट में है। भौतिक जीवन कैसा है? भौतिक जीवन कैसा है? नाशवान, नाशवान है, कष्टवान है और मोहपूर्ण है। तीनों तीनों चीजें बता दी। नाशवान है, हम कितना भी कर ले लेकिन नाश होगा ही होगा। मोह है, कितना भी हम सोचे कि मोह मोह में डालता है, हमें बंधन में डालता है। कष्ट में है, कितना भी हम सोचे कि हम आनंदित रहें, हमेशा खुश रहें, लेकिन क्या है कि कष्ट में डालता है। इसमें सुख तो है ही नहीं, कह रहे इसमें सुख तो है ही नहीं। हम सोचे ढूंढते हैं ना सुख, सुख है ही नहीं अगर हमें सोचते हैं। लेकिन जहां हमने भगवान को बीच में विराजमान कर लिया, सेंटर में, क्या हुआ? सुखी सुख, हर जगह सुख, संसार में सुख, लोगों में सुख, परिवार में सुख। हाँ, जैसे भगवान हमारे बीच में विराजमान आ गए तो हर जगह सुखी सुख होता है। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जल मिल जाए, कहीं ना कहीं हमें अमृत मिल जाए और हमें आनंद मिल जाए, और मिलता क्या है? कष्ट। और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। और जरा सा हमें ये कहता है ना कि हमारा, मान लो कि एक हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन हो गया हमें, तो हमें लगता है सुख। ओ थैंक गॉड, खत्म हुआ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, सुख हो गया। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, फिर दुख में हो जाता है जीवन। अतः बढ़ते जाने भौतिक भोग तथा लोग नाशवान कष्ट में तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंद में और ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। वो क्या देती है? सनातन, हमेशा जो रहने वाला सुख है वो प्रदान करती है, आध्यात्मिक शक्ति जो है। दूसरी तरफ कौन सा बता रहे हैं? आध्यात्मिक सुख है, सनातन है, ज्ञान है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, वेदों के प्रति वो ज्ञान आएगा हमें, और जीवन हमारा कैसा होगा? लबालब होगा, ऐसे ज्ञान से ओतप्रोत होगा। क्या डूब रहे होंगे हम? आनंद से, सनातन और ज्ञान से परिपूर्ण होगा, और इसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाता है। जैसे भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति में सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास सर्वत्याग श्रेष्ठ है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी वृद्धि अवधि भी बढ़ जाती है, मतलब हमारे रोग बढ़ते हैं उससे। और अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें भौतिक सुखोपभोग की रंज मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। देखिए, अब हमने कष्ट उठाया और रथ यात्रा की, सब मिलके गए, पसीने में बिल्कुल लथपथ, ठीक है, पैर हमारे थक गए, हम नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, थक गए। अब क्या करें? इसमें हमें सुख मिला या दुख मिला? सुख मिला, सुख मिला हमें, सुख मिला हमें, हमें ये करने के भी सुख मिला। भगवान का के सामने हम नृत्य कर रहे हैं, रथ खींच रहे हैं, थक गए हैं, प्यास भी लग रही है और भूखे भी हैं हम, लेकिन फिर भी हमें आनंद आ रहा है। यहाँ पर भूखे प्यास भी, और वहां पर हमने सब कुछ खा पी लिया, पेट बिल्कुल भरा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति भी हो रही है, सारी कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है साथ में, राइट। तो हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखे। धर्म का अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखे, धर्म का अर्थ ये है। हम धर्म को समझते हैं कि हमारा धर्म ये है, हम वो मानेंगे, हम ये मानेंगे। धर्म का अर्थ है कि अब संभाले कौन, संभालेगा कौन, संभालने वाला कौन है? भगवान, वो ही संभाल सकते हैं, ठीक है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में स्थापित करे। वापस कहां घूम फिर के आ गए कि संबंध को स्थापित करो, तभी आप अपने अस्तित्व को संभाले रख सकते हो। संबंध कौन सा है? हम उनके सेवक हैं, वो भगवान है, हम सेवक हैं। अपने आप को भगवान ना समझे, अपने आप को ही सोचे नहीं कि हम अपना घर चला रहे हैं तो हम ही प्रभु हो गए यहाँ के, हम भगवान है। कृष्ण भगवान समस्त जीवों के मध्य दूरी है और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों के सर्वदर्शक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण सबों के लिए परम आकर्षक है। हमारा एक वहां पर
जो भगवान का धाम है वहां पर हमें हमारी एक सेवा है जो सबकी परमानेंट सेवा है जो हम छोड़ के आए हैं या वहां पर। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें ये जीवन दोबारा नहीं देते, हमें 84 लाख यूनियन दोबारा नहीं मिलती, वापस हमें भगवान के धाम में जाना होगा। फिर हमारे जो नित्य जो कार्य थे वो हमें कार्य करने होंगे। वहां पर हमें ये चिंता नहीं है कि ओ माई गॉड प्रसाद पालो और फिर अपने बच्चों को भी खिलाना है हमें, राइट? ये हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है और बस हमें आनंद में रहना है। कोई हमें कोई चिंता नहीं पीछे की, अभी की चिंता है कि ये करने के बाद हमें घर जाना है, राइट? और वहां पे क्या है कि हमें सिर्फ आनंद, हमें भगवान के साथ ही रहना है, कोई चिंता नहीं है। ये कर रहे हैं अभी, वो कर रहे हैं अभी, ऑफिस जाना है, कुछ कर रहे ही नहीं है, नहाना है धोना है ये करना है वो करना है। हमारा जो शरीर है वो दिव्य होगा, हमारी जो आत्मा होगी वो शुद्ध होगी, हमारा जो भगवान हमें ऐसा शरीर प्रदान करेंगे कि खाएंगे, हमें भूख लगेगी तो भगवान अपने ऑटोमेटिकली चला गया, किसी और की चिंता करनी नहीं है, सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है। जो चिंता हमें, हमारा जो मन मन है वो भी हमारा शुद्ध होगा, सोचिए कि कोई चिंता ही नहीं है वहां पर। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हमारे जो एक सेवा है वो वहां पर नियुक्त है, वो सेवा को हमें याद रखना है, वो सेवा हमें छोड़ के आ गए हैं, जब हम इससे छोड़ के जाएंगे तो हमें वही सेवा में लगना है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी मनुष्य का को इसका अनुभव होने लगेगा और हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में इससे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। और भक्ति को क्या है, पूर्ण आनंद प्राप्त होगा ये सब जानकर। जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि वास्तविक संकेत क्या कह रहे दे रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं मुझ तक पहुंचो, मेरे बारे में विचार करो, मेरे से संबंध स्थापित करो, तो फिर कोई कष्ट नहीं है। आज का सार यही है, राइट? तो आज हमने 3 श्लोक पढ़ लिए, कल हम 7वां करेंगे फिर। तो आज के लिए यही, आज आपने जो फर्स्ट श्लोक बोला था ना, हाँ बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, जय हरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय, हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।